What's up guys? Welcome back to the channel. भी मैं जिस जगह पे हूँ एक्चुअली ये जो है मेरे नाना के यहाँ आया हूँ. दीपू कैसे है? ये मेरे मामा का लड़का है दीपू. और मैं आज तकरीबन पता नहीं मुझे बहुत मतलब 8 से 10 साल हो गए शायद. मैं 8 से 10 साल बाद आया हूँ ना यहाँ पे. काफ़ी टाइम हो गया अब तो. 8 से 10 साल आराम से हो गया. 8 से 10 साल बाद मैं अपने गांव आया हूँ नाना के यहाँ पे, जहाँ पे मेरी मम्मी का जन्म हुआ है, जहाँ पे मेरे मामा नाना नानी यहाँ पे वो रहे. नाना नानी तो हैव पास्ड अवे, बट मेरे जो सबसे बड़े मामा हैं वो यहाँ पे रहते हैं. और मामी छोटे वाले मामा थे, ही रिसेंटली पास्ड अवे 1-1.5 साल पहले. तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ एंड इट सब कुछ बहुत बदल गया है. अरे वाह, बस अभी पहुँचा हूँ मैं इधर. राम राम. कॉलिंग नहीं, वो ब्लॉग बनाता हूँ ना मैं, तो मैं तो बहुत टाइम बाद आया तो सबको दिखा रहा था. सो ये है, इसको हम लोग जब छोटे थे तो ये जो एरिया है ये आप जो देख रहे हैं ये प्लॉट बोलते थे इसको. तो यहाँ पे ना हमारी भैंसे जो नाना और मामा सब मिलके जब भैंसे वैसे संभालते थे वो इधर था. यहाँ पे एक पेड़ था. ये वही पेड़ है जो एक पहले सबसे पहले था नहीं ना बीच में एक पेड़, वो नीम का पेड़. हाँ अच्छा, पड़ गया वो. यहाँ पे एक बिल्कुल ना सेंटर ऑफ द प्लॉट में एक नीम का पेड़ था, जहाँ पे जिस पेड़ पे हम बहुत चढ़ के खेलते थे और तोते रहा करते थे उसमें. वो तो यहाँ पे है. हाँ ये तो मेरे मामा बता रहे हैं कि जो ये तुलसी है यहाँ पे पहले वो पेड़ था, वो बहुत बड़ा था, पूरे मतलब घेर को पूरे को छाव करता था वो अकेला पेड़. ये अमरूद है, हाँ वो है क्या नाम है अपना, कंडी पत्ता जिसको बोलते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ वो गुलाब का है ही. हाँ और बाकी छोटे मम्मी ने छोटे छोटे सारे. नहीं नहीं बढ़िया है. ये मेरे बड़े मामा हैं सबसे, हमारी मम्मी साइड की फैमिली में अब सबसे बड़े मम्मी के बाद ना. हाँ, मम्मी के बाद मेरी मम्मी के बाद मेरे मामा आते हैं. अंदर चलते हैं. इधर हम आए हैं सबसे पहले मिलने के लिए क्योंकि मेरी मामी की तबीयत ठीक नहीं है. हाँ. मामी राम राम. के करा लिया? मैंने कुछ ना कराया. ठीक है. कैन यू सी दैट? तो जब हम छोटे थे ना तो अब तो बहुत कम दिखते हैं ना मोर. हाँ पहले कितने हुआ करते थे जब छोटे थे. हाँ जब हम छोटे थे ना तो इतने सारे पीकॉक आते थे. ये देखो वाओ. अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले घर, जहाँ पे हम जब छोटे थे तब रहते उधर थे. ये बड़े मामा का घर था, वहाँ पे छोटे मामा और नाना उधर रहते थे. तो अब हम वहाँ जा रहे हैं. उस घर में भी मैं काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ. होता है थोड़ा अर्बनाइजेशन तो हो जाती है, चीज़ें बदल जाती हैं, जगह बदल जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, पुराने कच्चे घरों की जगह पक्के घर बनने शुरू हो जाते हैं. तो अब जा रहे हैं हम छोटी मामी से मिलने के लिए. ये हेली कौन सी है? पुरानी पहले ये घर. अच्छा ये पुराना कच्चा घर है. बेसिकली ये उधर जो गली है और ये गली है, उधर आने के लिए ये एक ये रास्ता है छोटा सा. This is our ancestral door that you can say. ये हम घुसे इधर. That is Mr. Bobby there. Hi, here is Bobby. Bobby, how are you? I'm good. Good. How are you? I'm good. आइए. वाह. तो ये जो है ये बैठक है जिसमें अभी हम घुसने रहे हैं. अभी ये बैठक है. मम्मी राम राम. राम राम बेटा. चलो. ये बैठे गए यहाँ पे. मेरे नाना जी मीटिंग्स वगैरह किया करते थे एक टाइम पे. मीटिंग और ताश खेलना जो उनका फेवरेट पास टाइम हुआ करता था वो यहाँ होता था. दिस इज द हाउस. अब मैं अपने नाना नानी से मिलवाता हूँ आपको. मेरी नाना वो मेरी नानी है और ये मेरे छोटे मामा है. ही पास्ड अवे 2 years back. ये हमारा ये वो घर है जो अब तो फिर भी पक्का बना दिया है. नानी राम राम. राम राम. राम राम. ठीक हो आप? ठीक हो. हेलो नमस्ते. ये मेरी दूसरी नानी, ये पड़ोस में रहती है सामने वाले घर में इधर ही. ये वो नानी है मेरी. यहाँ पे पहले ये नहीं था, इसके पीछे ना यहाँ पे पहले हम लोग गेहूँ वगैरह रखते थे सारे, है ना. बड़े ऐसा पूरा एक एरिया होता था जिसमें पूरा यहाँ ऊपर तक ना पूरे इसमें सिर्फ गेहूँ हुआ करते थे. गेहूँ और उसमें हम खेला करते थे छोटे थे जब. ये है, ये नीचे जा रहा है. ये तहखाना टाइप बोल सकते हो, बंकर कह सकते हो उसको. तहखाना. हाँ तहखाना है. तो मैं जब
छूटा था ना तब एक बार भी नहीं गया इस तहखाने में, पता है? वो ना ठंडा कितना है यार ये, नहीं एसी की जरूरत ही नहीं है, इधर ऐसे सो जाओ। बिल्कुल ये तहखाना है। अब हम चल रहे हैं, मैं आप लोगों को हमारी टेरेस दिखाता हूँ। यहाँ पे उस टाइम पे मतलब आज से कई सालों पहले यानी कि 25 साल पहले लगभग, जब मौसम थोड़ा अच्छा हुआ करता था, गर्मी इतनी गर्मी नहीं होती थी और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी, तो हम लोग रात में इधर ही छत के ऊपर ये जैसे ये जो एरिया है, ये जो एरिया यहाँ पे गुद्दड़ और दरी बिछा के तकिए बिछा के सोया करते थे, क्योंकि एक तो इस नीम के पेड़ की छाया और इसकी ठंडक बहुत ज़्यादा थी। ये आज भी नीम का पेड़ ऐसे कैसे सर्वाइव कर रहा है, विच इज़ सो गुड टू सी इट। एंड हम लोग यहाँ पे खेले उस टाइम पे, यहाँ पे जो है हम बच्चों के नहाने का इंतज़ाम ऊपर हुआ करता था, बाल्टी रखे बच्चों को कौन सुनता, नंगे करके नहला दिया करते थे सबको इकट्ठे यहीं पे पानी डाल डाल के। एक कमरा है ये, तब से ऐसा ही है कमरा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। वो जो रास्ता देख रहे हो आप, तो ये जो दीवार है ये मेरे जो नाना के भाई के बच्चे हैं उनका घर है ये, तो हम जब उनसे मिलने जाया करते थे तो इस छत पे यहाँ से चढ़ते थे ऐसे ऊपर और उधर चले जाते थे। फील्स गुड एकदम से ना, वो बचपन की ताजगी और वो रिफ्रेश होगी मेमोरी। व्हाई वी स्टॉप्ड कमिंग दिस हाउस एंड द विलेज वाज बिकॉज एक पॉइंट ऐसा था यहाँ पे मित्राओं गांव, अगर आप में से कोई दिल्ली से है या इन अराउंड मित्राओं के आसपास हो तो आप जानते हो कि मित्राओं गांव में बहुत बड़ी गैंग वॉर वगैरह चलती रही थी, तो उस टाइम पे माहौल थोड़ा सा ख़राब था। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने और बच्चों को सेफ रखने के लिए यहाँ से दूर यहाँ आने नहीं देते थे, तो अब थोड़ा सा मामला शांत हुआ है, इट्स पीस हियर, सो दैट्स व्हाई आई केम टू द विलेज टू सी माय एंसेस्ट्रल होम। काफ़ी सही टाइम पे मैं अपने नाना जी के यहाँ आया हूँ, बिकॉज आज हमारे यहाँ गाँव में लगा है भंडारा, और कहते हैं कि भंडारा का खाना हमेशा खाना चाहिए, बहुत विशाल भंडारा लगा है, तो अब हम जा रहे हैं वहीं पर खाना खाने के लिए। गर्मी बहुत है लेकिन खाएंगे वहीं पर। सो नाउ आई एम गोइंग टू मीट माई अनदर मामा, जो मेरे नाना के भाई के बच्चे हुए वो भी मेरे मामा लगे, उनके बच्चे भी हो चुके हैं तो वो मेरे भाई सब लगे, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ अब। वो पहले पुराने वाले घर में रहते थे उधर जो घर है पीछे, लेकिन उन्होंने अब नया घर कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये वाला, ये उन्होंने नया घर बनाया है। यहाँ पे पहले वो था एकदम स्ट्रेट था ना इधर, क्रिकेट खेला करते थे यहाँ पे हम, बहुत सारे खाली ग्राउंड था यहाँ पे, अच्छा घर बना लिया भाई। मेरी नानी, नानी राम राम। मैं कहीं भी आ रखा हूँ, चलो इस बार फेट का आऊंगे, घना टाइम हो गया। हाँ मम्मी राम राम। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, 10 साल हो गए बस निकलने ही वाले थे कि मामा हम तो वहीं आ रहे थे आपसे भेटने। अरे फिर चले जाइयो, के आग पड़ गया जा। अरे उठाइया तुम तो, अरे के है घर पे लगड़े तो कम उतना सर्दी लगड़े अगर बात को बात के हां। मामा के यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मेरी बुआ के यहाँ, जो मित्राओं से आगे थोड़ा सा काफी आगे एक जगह है जिसका नाम है बुपणिया हरियाणा में, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ मेरी बुआ रहती है। हम लोग बुपणिया पहुंच चुके हैं, तो ये जो मेरी बुआ है, मेरे पापा है एक्चुअली, जो है चार भाई और दो बहनें हैं, जो पापा की सबसे बड़ी बहन यानी कि मेरी जो बुआ थी, जो एल्डर बुआ है, शी पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक, और मेरे फूफा जी आल्सो पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक, और ये जो बुआ है ये सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी सिस्टर है बेसिकली, और इनके हस्बैंड भी जो मेरे फूफा जी थे ही आल्सो पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स बैक। चलो अंदर चलते हैं और बुआ से मिलाता हूँ आप लोगों को। ये है मेरी सबसे छोटी बुआ, राम राम। ठीक ठाक आज राम राम भाभी। हाय 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 मिष्टी, मेरे पास भी एक मिष्टी है बेटा। हाँ जी हाँ जी आई नो, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ
हाँ जी मिष्टू, हाँ जी मिष्टी, हाँ जी मेरा बेटा।